और चुनाव का चुनाव दो ही चरण में है, एक हम नेता मेरे चरण में, उसका हम नेता के चरण में। ये चुनाव आयोग के चरण नहीं है, ये नेताओं के चरण वाली बात है। हम लोगों को तो इनकी सरकार जो है पसंद नहीं, कि हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दे दी, एकदम हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी, तो वो पर्चे झूठे हैं या फिर आप झूठ बोल रही हैं? झूठे पर्चे हैं, पर्चे झूठे हैं, कहाँ नौकरी मिल रही है, सब परताना ही है। तो बोलती होंगी अखिलेश अच्छा है, बहन जी अच्छी है, योगी अच्छी है, तो बताती है, आपको तो मालूम होगा ना कौन आएगा। बताती हैं, लेकिन जो कुछ और लोग हैं ऊँचे जात वाले कहते हैं कि योगी अच्छे काम किए, मोदी अच्छे काम किए, लेकिन जो हम लोग हैं ये नहीं बताते क्या अच्छा किए, अच्छा किए ये नहीं बताते। राजनीति में आधी आबादी की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है जितनी की जो पुरुष प्रधान समाज में बाकी लोग भूमिका निभाते हैं। महिलाओं का मत और उनका जो ओपिनियन है वो किसी को चुनाव जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ पूर्वांचल की एक तरीके से एक गढ़ है जो सियासत है उसको केंद्रित करने वाला और उसकी दिशा और दशा तय करने वाला क्षेत्र है आजमगढ़। मैं यहाँ महिलाओं से बात करूँगा कि यूपी चुनाव में किसको ये विजयी होते देख रही हैं, किसको वोट देंगी, क्या मसले हैं। मेरे साथ है अनीशा जी। अनीशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए यहाँ पर आपके आजमगढ़ में यूपी में योगी जी के काम से 4.5 साल हो गए, उनको खुश हैं आप? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने क्या नहीं किया ये पूछिए। बताइए क्या नहीं किया। वो पूछे क्या नहीं किया, उनका अपना क्षेत्र गोरखपुर तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मेरा मायका है वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जस्ट पीछे मेरा घर है, लेकिन मैं इतनी मतलब कहने को तो मीडिया चैनल उन्होंने एकदम ले रखा है कि इतनी अराजकता फैली, लेकिन वो नहीं हो रही है, मतलब कहीं दिखा नहीं रहे, वो सब दबा हुआ है और अंदर अंदर तो बहुत अराजकता है। मायके कब गई थी पिछली बार? अभी तो जल्दी गई थी मैं, मेरी माँ एक्सपायर कर गई। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने गोरखपुर को यूपी को नंबर एक प्रदेश बना दिया, एकदम सबसे आगे बढ़ा दिया, तो माए का बदला लगा, ऐसा लगा कि लंदन घूम के आई हैं, गोरखपुर में नहीं गई? नहीं लग रहा था, उन्होंने लग रहा है अगली जमीन चांद पे ही खरीदी जाएगी, यहाँ नहीं खरीदी जाएगी। अच्छा। वोट मिलेगी योगी जी को? वोट मिलेगी? हाँ नहीं, योगी जी तो कहते ना ये किन प्रकार ऐसे वोट ले लें तो ले लें, अगर ऐसे लेंगे तो ले लें, तो बाकी तो और जनता का क्या, अंदर से कुछ बोलती है कभी, और मुस्लिम वोट तो और ज़्यादा बेकार है, वो अंदर कुछ होता है और बाकी बाहर। वो फिर अभी लग गए हैं अब्बा जान करने, और तो वो फिर उनका खेल शुरू हो गया। तो हमेशा ही कहते हैं गोरखपुर में रहना तो योगी योगी कहना है, उनका तो पहले से भी यही नारा था। और जी तो गोरखपुर की एकदम रहने वाली हैं, वो तो उत्तराखंड से आए हैं, उनका तो है भी नहीं गोरखपुर। आप कहती हैं योगी योगी? नहीं मैं तो नहीं कहने वाली। आगे भी नहीं कहेंगे? नहीं आगे भी नहीं कहूँगी। ये आगे भी नहीं कहेंगी और गोरखपुर में रहेंगी, आजमगढ़ में रहेंगी। आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं। हाँ। तो ये बताइए यूपी में अभी हाल फिलहाल में जो योगी की बीजेपी की सरकार चल रही है, कह रहे हैं बहुत काम कर दिया एकदम हमने जो है, बहुत एकदम यूपी को नंबर वन बना दिया, आपके आजमगढ़ में आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है बताइए? अरे लाइन बिजली सब बन, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बना है, सब कुछ सुविधा दिए हैं, रोड चक रोड सब कुछ सुविधा दिए इसमें। आप खुश हैं योगी जी से? खुश तो अब नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे और क्या। तो आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ दे दिया? नहीं नौकरी नहीं दी, लड़के सब पढ़ के बैठे हैं घर पर। आपके बच्चों ने पढ़ाई की? क्या पढ़ाई की उन्होंने? अरे अभी बीएड कर रहे हैं। बीएड कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली? नहीं यार, एक तो पॉलिटेक्निक किए बिटिया। मैं अभी दिल्ली से आया था तो दिल्ली में योगी जी ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दे दी, एकदम हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी, तो वो पर्चे झूठे हैं या फिर आप झूठ बोल रही हैं? झूठे पर्चे हैं, पर्चे झूठे हैं, कहाँ नौकरी मिल रही है, सब परताना ही है। तो 22 में फिर किसको वोट मिलेगा, कौन जीतेगा यूपी में?
आप किसको वोट देंगे, आपका मन बता दीजिए। अच्छा, ये आदमी हमको अच्छा लगता है। मोदी मोदी को नहीं देंगे, अखिलेश को देंगे। मोदी को वोट नहीं देंगे, अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा, और आप जो हैं, आप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। मोदी जी ने कह रहे मैं गैस दे दी मैंने, पहले महिलाएं जो हैं वो चूल्हे में धुएं में बेचारी परेशान रहती थी, मैंने फ्री में गैस दे दिया। आपको मिला कुछ? नहीं, मुझको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मोदी जी दिए नहीं। हम जौनपुर जिला से हूँ और वहाँ के रहने वाले हैं, बट मोदी हम लोग के लिए कुछ नहीं काम किए। लाइन बिजली सब बेकार है और नौकरी और सब बच्चे वैसे पड़े हैं, कुछ नहीं मिला। ये तो अभी कह रही हैं कि बहुत कुछ अच्छा काम किया योगी जी ने, बस नौकरी नहीं दी। आजमगढ़ जिले की है ना, हम जौनपुर जिले से। अच्छा। हाँ, हमारा मायका तो आजमगढ़ जिले में और ससुराल जौनपुर जिले में। वहाँ पे सड़क वड़क बन गई, लाइट वाइट आती है, सब कुछ बढ़िया है? वो तो बहुत पहले से है, अखिलेश के जमाने के हमारे यहाँ लाइट है। और हम इस बार 22 में कौन, अखिलेश आएंगे? अखिलेश आए तो सभी तो उद्धार होगा हम लोगों का। बच्चे भी नौकरी कोई, सब लोग ये कोरोना काल में सब एकदम परेशान हैं। मोदी क्या किए? कुछ नहीं किए, और नहीं योगी किए। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि अखिलेश आए, साइकिल उनकी चले और हम उन्हीं के साथ। और किसी का कुछ ना आ जाए, बहन जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहन जी तो अब देखो, पहले अखिलेश आ जाए, बहन जी को तो फिर बहन जी ना आए, अखिलेश आ जाए आपके लिए। आपको कौन पसंद है यूपी में? हमको यूपी में तो अखिलेश पसंद है, क्योंकि हम लोगों को, मैं आंगनबाड़ी यहाँ सठिया ब्लॉक में, आजमगढ़ जिले की सठिया ब्लॉक की बैठौली गांव की आंगनबाड़ी है। तो जब चुनाव से पहले घोषणा किए कि मैं बढ़ाऊँगा, अखिलेश 1,000 बढ़ाए थे और मोदी सरकार, केंद्र सरकार हमको 15 और योगी तो दे दिए, लेकिन मोदी भी कहे कि मैं भी 15 दूंगा, 1500 रुपया। अब इस समय उनका सितंबर में आया है कि मैं अक्टूबर में आप लोगों का मानदेय 15 पूरा कर दूंगा। आपका पैसा नहीं मिलता है काम करने का? मिलता है, लेकिन बढ़ाए थे चुनाव से पहले और उनको 4.5 साल हो गया, अब वो बढ़ाए। अब उनको तो चुनाव आने वाला है ना, चुनाव आने वाला है, इसीलिए वो अपना, अब हम लोगों को वही कह रहे हैं कि आप लोग प्री प्राइमरी में जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। हम लोग को 10 से 3 टाइम देना है और वही 7,000, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप वो स्कूल भेज रहे हैं, उनको पढ़ाइए, फिर आपको पैसा बढ़ा के देंगे। अब देखिए, पढ़ाते हैं कि क्या, 4.5 साल आखिरी आ गया, चुनाव को वोट लेना है तो बढ़ाए हैं, अब देखिए आगे वो क्या करेंगे। अखिलेश जी से उम्मीद है कि जीत जाएंगे? जाएंगे, अब देखिए, और जनता दे तब न भाई, उसमें कहते हैं लोग, पता नहीं कैसे। आपके उधर आंगनवाड़ी में जब मिलती होंगी महिलाएं, बैठती होंगी, बैठ के बातें करती होंगी चौराहे पे अपने चौखट पे, तो बोलती होंगी अखिलेश अच्छा है, बहन जी अच्छी है, योगी अच्छी है, तो बताती, आपको तो मालूम होगा ना कौन आएगा? बताती हैं, लेकिन जो कुछ और कार लोग हैं ऊँचे जात वाले, कहते हैं कि योगी अच्छे काम किए, मोदी अच्छे काम किए, लेकिन जो हम लोग हैं, लेकिन ये नहीं बताते क्या अच्छा किया। अच्छा किए, हाँ, ये नहीं बताते। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राधिका देवी। राधिका देवी, क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं, तो सैलरी वैलरी मिल रही है टाइम पे, पैसा मिल रहा है? सैलरी तो टाइम से मिल रही है, मगर जितना हम लोग काम कर रहे हैं मेहनत के अनुसार, हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को लगा दे रहे हैं। अब पहले तो, अब तो मोबाइल वाला सिस्टम कर दिए हैं, अब हम लोग तो पहले के मोबाइल हम लोग को चलाने आता नहीं है। अब ये 1500 जो बढ़ाए हैं, कह रहे हैं कि मगर जो फ़ोन का नाम मोबाइल से सब काम करेगा उनको दिया जाएगा। तो हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी मोबाइल चलाने की, कैसे चलाना है? इतना दिन से तो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन देंगे, कितना दिन हो गया। अब उनकी सरकार बदलेगी तो देखिए अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोगों को तो इनकी सरकार जो है पसंद नहीं। हाँ, 2022 में योगी को वोट नहीं देंगे? नहीं, हमको नहीं देना है, एकदम गुस्से से कह रहे हैं कि नहीं देना उनको सरकार जो है। उनको राजनीति के और राज करने का कोई ढंग नहीं है। योगी जी को बड़ा गुस्सा आता है, गिरफ्तार कर लेंगे आपको? गिरफ्तार क्या हो जाएगा? नहीं, 450 रुपया मिलेगा तो हमारा परिवार नहीं जिएगा,
उनसे क्या हम लोग से, हमसे कोई लाभ नहीं सरकार से। हम लोग के बच्चे पढ़ के उसे ही बेरोजगार है, हम लोग का धंधा पानी सब बंद है, हम लोग एकदम परेशान है। 4,500 में 4,500 में हम अपने बच्चों को अपने घर का पालन कर लेंगे हैं? काम कितना चाप रहे हैं, हर जगह जनगणना में है तो BLO में है तो पोलियो में है तो कोरोना में भी ड्यूटी लगाई है। कोरोना में तो जान रहे हैं कि लॉकडाउन में कई बेर कोरोना में ड्यूटी लगा दी और कोई पैसा का कोई पैसा वैसा कोई नहीं। तो आप गुस्सा हैं योगी जी से? एकदम गुस्सा है इनसे, हम सहमत नहीं है। सरकार बदल जाए तो बहुत अच्छी। फिर किसको वोट करेंगे हम इसके बाद? या तो अखिलेश जी जीते या तो मायावती जीते, इसमें इनके बाद कोई भी जीते हमके कोई दिक्कत नहीं। योगी ना आए, बाकी कोई ना आए बस। उषा जी योगी जी के काम से खुश हैं? खुश नहीं है योगी जी के काम से। सब सर जब सब कोई होला तो सब कहला हम है करेंगे, हम करेंगे, कोई तो कुछ नहीं। किसान के लिए तो कोई कुछ नहीं करते। क्या काम करती हैं आप? हम किसानी वाला काम करते, खेती बाड़ी का काम करती हैं। तो वो कह रहे थे खेतों में किसानों की हम जो आमदनी है वो दो गुना कर देंगे, बढ़ा देंगे। आपकी आमदनी बढ़ गई? हाँ साहब, वो मिलल लाल पैसा हम तक के सरकार भेजले रहा, वो 1,000 के 2,000 आला, तब से फिर ना आया। किस्त भेजी थी उन्होंने 2,000 रुपया की, वो मिल गई थी? उसके बाद मिला नहीं? उसके बाद तो ना मिला। खाद वाद मिल जाती है सबसे? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता। बीज वगैरह कुछ नहीं। और बिजली? बिजली का बिल भरल जला साहब, हाँ मीटर बैठ गल तो बिल भरा। 22 में योगी को वोट करेंगे? जिसके दुनिया को मानी अच्छा ही करी तिसके मुँह को। आपका भी तो मन होगा ना? नहीं ना, जेवन सब करी तो जनता करी तो। अब जनता तो किसी को भी चुन लेगी, आपका भी अपना मन होगा ना कि भाई इस आदमी ने हमको अच्छा काम किया। मायावती अखिलेश कौन आपको अच्छा लगता है? हम लोग के तो मायावती अच्छी है, अखिलेश अच्छा। हम लोग तो मोदी कौन है कि गरीब मने के खाने के लिए मर जाता है? मोदी नहीं अच्छा है, कौन अच्छा बताए? आप बताइए, आप बताएंगे ना आपको? तो नहीं अच्छा अच्छा नहीं लगता है? कहे अच्छा लगता है, एक यो बहुत एक चला दिले बटा, राशन फ्री में बांट देते बटा, बस और कुछ। गैस तो दुगुना भयल बा। चूल्हा मिला? हाँ मिला। हाँ। नहीं मिला? मिला। मिल गया? हाँ। सिलेंडर? हाँ मिला। तो भरवा पा रहे हैं सिलेंडर? अब भरवा चला कैसे कैसे। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं धुएं में आंखें खराब हो जाती थी, हमने तो मुफ्त में सिलेंडर दे। हम तो का पैसा खतवा से काटत ना, हम का सेती में देते हूँ। सब्सिडी मिल रही है आपको सिलेंडर की? नहीं बस वो गैस दे दिए हैं और सब्सिडी आई नहीं रही, 1,000 रुपया भरा ही लग रहा था, कहाँ से आएगा बताइए? भरवा नहीं पा रहे? नहीं भरा, वैसे ही फेंका हुआ उनका दिया हुआ गैस। आप भरवा लेते हैं? नहीं साहब, नहीं कुछ मिला नहीं। मिला ही नहीं आप? कुछ नहीं मिला है। अच्छा। क्यों नहीं मिला? नाम नहीं था आपका? नाम गया नहीं दल, ना मिला नहीं। कह रहे हैं कि हमने तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा उषा नाम है, कुछ ना मिला। हमारी आवास भरा ले लो, वो कटवा दे, ना मिला। कार्ड नहीं बना आपका? पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड? आवास कार्ड मिला, गरीबी रखा का, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। घर वर कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। वोट देंगे योगी? हाँ, मेरा पति कुछ नहीं करता है, घर रहता है। वोट भी नहीं करेंगे? नहीं। फिर कौन जीतेगा 2022 में? 22 में कौन जीतेगा अगले चुनाव में? यूपी में कौन जीतेगा? मायावती जीतेंगी, अखिलेश या फिर योगी? अखिलेश जीतेगा। आप वोट देंगे अखिलेश? आप कुछ कह रही थी अनीशा जी, उसमें ये कहा कि आजमगढ़ में उनके अराजकता देखिए, मतलब उनके लोग जो भू माफिया एकदम जो दबंगई पे उतारू हैं। मेरी एक 17-18 साल की ली हुई जमीन है और आज मैं उस पर अपना मकान नहीं निर्माण करवा पा रही हूँ। कब्जा कर लिया किसी ने? कब्जा भी नहीं किया, कब्जे में तो मेरे है, लेकिन बैकिंग इतनी अच्छी है लोगों की कि थाना ना सुना ना किसी ने भी नहीं सुना, और दबंगों ने उसको तोड़ दिया मेरा स्लैब बिल्कुल। मैंने तो उस पर डाला था TV पे। अच्छा। हाँ, काफ़ी परेशान हूँ मैं इसको लेकर। तो पुलिस ने मदद नहीं करी आप? नहीं, कुछ कोई मदद नहीं। और दिसंबर 13 दिसंबर 2020 को अभी। अच्छा। और तब से मैं मुकदमा तक नहीं, मतलब उन सबों को ना पकड़ा गया ना कुछ किया, और मेरे मकान में अपना ताला बंद करके चले गए सब।
लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि सारे गुंडे मवाली भगा दिए हमने, इनकाउंटर कर दिया। वही कह देना तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना। इसलिए कुछ बातें मन में रखने की होती है ना, अलग से मेरी माम लिंचिंग हो जाएगी। लिंचिंग हो जाए तो डर लगता है आपको? नहीं, डर नहीं लगता मुझको, अपना तो डर नहीं लगता, लेकिन अपने पीछे परिवार है ना, उन बच्चों को जिलाना। माहौल तो डर वाला है, माहौल माहौल जो है डर। कहते हैं बेटी सुरक्षित है, बेटियां कहाँ सुरक्षित है आप बताइए, कोई बेटी सुरक्षित है? तो योगी जी को बेटियां सबक सिखाएंगी? सिखाना चाहिए, अब नहीं सिखा रही हूँ तो बात अलग है भाई। कहते हैं ना माइट इज राइट, तो यहाँ माइट इज राइट तो है ही है। सही बात है। और ये जब चुनाव होगा तो उस समय जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी वो मन की बात बाहर निकलेगी कि क्या उनके मन में है और जनता किसको अपना नेता चुनेगी। एक ईवीएम पहले से वो तय करके रखे हैं। ईवीएम पहले से तय तय है? अभी बिहार का चुनाव आपने देखा, एक ईवीएम पहले से तय है। फिर काहे बात का चुनाव? पता नहीं काहे बात का चुनाव, वही तो नहीं समझ में आता। हमने तो कभी वोट ही नहीं दिया आज तक। आपने वोट ही नहीं दिया? कभी नहीं। वोट तो देना चाहिए। नहीं, पहली बात तो इलेक्शन ड्यूटी में रहती हूँ मैं। अच्छा, जबकि एक दिन पहले दिया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं है। आपको कोई अच्छा नहीं लगता? कोई ऐसा है नहीं जिसको राजा बनाया जाए, आप समझ लीजिए, क्योंकि हर आदमी खुद राजा है। और चुनाव का चुनाव दो ही चरण में है, एक हम नेता मेरे चरण में, उसके बाद हम नेता के चरण में। ये चुनाव आयोग के चरण नहीं है, ये नेताओं के चरण वाली बात है। क्या जनता तय करेगी ये हमें 2022 में पता चल जाएगा। ये वीडियो हम आपको पूर्वांचल से दिखा रहे हैं, आजमगढ़ से। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।